एवरीवन, गुड इवनिंग. सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. और टुडे इज 19th मार्च और आई कुडन शूट सिंस मॉर्निंग. बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, बिजी था और सभी आ रखे हैं घर में तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी शूट करने का. सो होली का व्लॉग भी थोड़ा सा पेंडिंग है, उसको एडिट करना अभी बाकी है. जैसे अब एडिट हो जाएगा आई विल अपलोड वेरी सून. और अभी हम आए हुए हैं एक रेस्टोरेंट में, चंदोसी का ही है, टेम्पटेशन. तो मैं और तुषा वी आर हियर. फिर से हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं. हम जब भी मिलते हैं हम किसी रेस्टोरेंट में ही आते हैं स्पेशल मीटअप के लिए. तो शी इज़ ऑलवेज माई डियर फ्रेंड. सो अभी के लिए हमने ऑर्डर किए हैं मोमोज. स्टीम्ड मोमोज मुझे पसंद है. आई डोंट लाइक फ्राइड मोमोज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो भैया एक और प्लेट कर देना वेज की. एक ही रहने दे. नहीं यार, ये तो मेरे लिए काफ़ी. तो अभी हम अपनी पार्टी शार्टी करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे. गाइस, दिस इज़ अ फूड वी आर गोइंग टू हैव विद अ फर्स. सो हम आपसे मिलते हैं पूरा स्नैक्स फिनिश करने के बाद. बाय. So right now we are here at the cosmetic shop for some shopping. अच्छी प्यारी सी लोकेशन पर आ गए हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे पूरा लीव्स है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है. तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे फोटोशूट करें. बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मस्त फोटोशूट होने वाला है यहाँ पर. तो हम अभी कर लेते हैं फोटोशूट, वीडियोज़ भी बनाएंगे, रील्स भी बनाएंगे, ऑफकोर्स अपलोड करेंगे. ठीक. और इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाके आप मेरे पोस्ट अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं फोटोशूट. ये रोशनी के साथ क्यों अभी हम आ गए हैं बहुत ही फेमस मंदिर में. यहाँ पे चंदोसी का स्पेशल है वेणुगोपाल जी का मंदिर. और बहुत ही टाइम, मैं पिछली होली पर आई थी यहाँ पर और उसके बाद अभी आ रही हूँ पूरे एक साल में. और तुषा के साथ ही आई थी ऑफकोर्स. परिक्रमा करनी है और सो हियर वी आर. माय गॉड, एक सेकंड यार, यहाँ पे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है. कैसे जलाते हैं? तो यहाँ पे हम परिक्रमा करें, कितनी परिक्रमा करनी होती है? जितनी श्रद्धा है. अच्छा, हमने दो कर लिए, कितनी कर सकते हैं? मतलब वही 5, 7, 11, 9 है ना? ठीक है, तो हमारी मेरी एक हो गई, इसके दो हो गई है. तुषा भी विद मी प्लीज, मेरे साथ रहे. सो मैं आपसे मिलती हूँ परिक्रमा करने के बाद. मेरी अभी दूसरी परिक्रमा हो चुकी है तो इट्स गोना बी माय थर्ड वन. सुनो, हम थोड़ी देर बैठ नहीं सकते क्या यार यहाँ पे? साइड पे वो गौशाला है ना पीछे की साइड, वहाँ पे हम चलते हैं. दिस इज रियली पीसफुल प्लेस, यू नो, बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिलने वाली जगह है. मैं आई हूँ यहाँ पर अपने पापा जी के साथ भी आई हूँ, अपनी दादी के साथ, चाची के साथ मैं आई हूँ, बट मैंने कभी परिक्रमा नहीं की, अंदर मंदिर में भी नहीं गई. टुडे फाइनली आई एम हियर और ये बहुत ही अच्छी जगह है, पूरी वृंदावन वाली फीलिंग आती है यहाँ पर. मैं आपको पूरा विजिट कराती हूँ यहाँ पर. तो शायद एक बार मुझे यार पूरा बताओगे ब्रीफली क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पे पूरा ये पूरे पोस्टर्स हैं एंड दिस इज़ द एंट्रेंस हियर. और यहाँ पर ये
गाय बंधी है, दिस इज गौशाला और ये पूरा यज्ञ भवन यज्ञ, हाँ यहाँ पे यज्ञ होते हैं। यहाँ पर ये पूरा यज्ञ के लिए है और ये यज्ञ के बाद पूरा ये गार्डन है। यहाँ से हम अंदर भी जा सकते हैं बट इट्स नॉट अलाउड आई गेस, हम नहीं जा सकते अभी तो, पूरा लॉक्ड है। और यहाँ पे बंदर भी आ जाते हैं ना तो शायद लॉक करके रखा है इसीलिए। यहाँ पे इस तरह से पूरा गार्डन है तो शायद तो पता नहीं कहाँ गई है, काफ़ी अच्छा है ये। मैं वृंदावन गई हूँ इसलिए मुझे थोड़ा वृंदावन जैसा इसमें फीलिंग आ रही है। ये जस्ट लुक एट दिस, इस तरह से पूरा गार्डन है यहाँ पर। वाओ सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, माय गॉड वाओ दिस इज रियली अमेजिंग। तुषा एक सेकेंड इधर आ, जस्ट लुक एट दिस व्यू, कितना प्यारा लग रहा है वो रेड स्काई। अरे बहुत प्यारा लगता है, तो मैं इससे तो अच्छा मैं तो एक जगह और दिखाने चलती हूँ, अब टाइम नहीं। कहाँ पर है? ऊपर दिखेगी। अरे वो छोटी सी वो तो नहीं है, इसमें आएगी नहीं? नहीं नहीं आ गई आ गई। वाओ ये व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ से नहीं वापस जाना चाहती हूँ। तो बस घर जाने का बिल्कुल मन तो नहीं कर रहे हैं, बट ये क्या एक कुआ है क्या? अच्छा सो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से कुआ है। अच्छा मतलब ये पूरा वाटर कनेक्शन कर दिया है जो आसपास के एरिया में जाते हैं शायद। ओ शेट यहाँ पे छिपकल। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर पर। अभी फिलहाल मतलब मैं घर पर तो नहीं जा रही हूँ, मैं अपने भाई के फ्रेंड के घर पर जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा कुछ काम है वहाँ पर। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं तो अपने सामान का स्पेशली फोन्स का वाइल वी आर ब्लॉगिंग बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। एक तो वही है एंट्रेंस पर और हमें वहीं से जाना है, यही एक एग्जिट है। तो मैं रखती हूँ अभी फ़ोन कैमरा में रखती हूँ अपनी पॉकेट में, नहीं तो ये तो बंदर के हाथ में कैमरा होगा। भागना नहीं है तुषा, आ चुकी हूँ वेणुगोपाल जी के मंदिर से और फ्रेंड के घर से भी आ चुकी हूँ। और यहाँ पर अभी आ गया मेरा छोटा सा भाई और ये छोटी सी बहन, ये तो है ही ये दोनों छोटे बच्चे। और ये है छोटू सा चाची जी का बेटा और ये है हमारी छुटकी मामी जी की बेटी। सो ये रहे मेरे सबसे छोटे भाई बहन इनकी दोस्ती कराते हैं। चलो ये हो गई इन दोनों की फ्रेंडशिप। अरे लेफ्ट हैंड शेक, इधर 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 इधर, ओ यू रो गया।